नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ थोड़ा दोस्त मनु मोड़। पंजाब जीके की अपनी यह 10वीं क्लास है। इस तो पहले मैं तुम्हें 9 क्लासेस प्रोवाइड करवा दी है, जिस विच थ्योरी भी इनकलूड है तो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इनकलूड ने। ठीक है, इस वीडियो में आप गुरु अमरदास जी के जीवन के रिगार्डिंग जिन्हें भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वह कवर करेंगे। इस तो पहले आप सिख धर्म के पहले गुरु और सिख धर्म के दूजे गुरु बारे पूरी एमसीक्यू की 2 क्लासेस तुम्हें प्रोवाइड करवा दी है, वह जाके विजिट कर लो। इस क्लास में आप लगभग सारे ही अपने 10 गुरुओं की इन्फॉर्मेशन जिहड़े भी एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चंस वह सारे कवर कर लेने। ठीक है, जल्दी नाल चैनल सब्सक्राइब कर लो जे नहीं किया, एंड जे साडा वट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिता, जाके वट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 41 की कहता है, सिख धर्म का तीजा गुरु कौन सी? यह सब नूं पता, गुरु अमरदास जी सिख धर्म के तीजे गुरु से। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 42 की गल करिए, गुरु अमरदास जी का जन्म कदों होया सी? तां एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता अपने सिख दसे सिख गुरुओं के डेट ऑफ बर्थ एंड ज्योति जोत समाउण का टाइम पूछ लिया जाता एग्जाम में। तो याद रखियो, गुरु अमरदास जी का जन्म से वह 5 मई 1479 ईस्वी में होया सी। ठीक है, इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 43 की गल करिए, गुरु अमरदास जी का जन्म कित्थे होया सी? बसार के अमृतसर विखे होया सी। तो यह तुहानू मैं थ्यूरी विच भी क्लास प्रोवाइड करवाई है, मेन मेन पॉइंट जिहड़े वो नोट करवाए सी। जे थ्यूरी की क्लास नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं लिंक दे दी, उत्थे जाके विजिट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की गल करिए, गुरु अमरदास जी के पिता का नाम की सी? तेजभान जी से। इस तो इलावा क्वेश्चन नंबर 45 की गल करिए, गुरु अमरदास जी की माता का नाम की सी? एग्जाम में बहुत बार रिपीट होया यह क्वेश्चन, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यह भगत कौर से वो कि माता जी से, करके बस तुम याद रखना कि अमरदास जी अपने गुरु अमरदास जी की जी माता से भगत कौर से। ठीक है, इस तो इलावा क्वेश्चन नंबर 46 की गल करिए, गुरु अमरदास जी की पत्नी का नाम की सी? तो मनसा देवी से। यही मैं किमें रिलेट कर लिया, देखो गुरु अमरदास सी, हुण की होया सिद्धू मूसेवाले की डैथ हुई है जिसका सबनों दुख लगे। ठीक है, हुण आपां अपने माइंड में की है कि सिद्धू मूसेवाला मरिया नहीं, वह अमर हो गया, क्योंकि सारे के दिलों में जागता है ना। मैं तुहानूं रिलेट करके याद करना दसदा कि किवें रिलेट करके याद हुंदा। हुण मेरे माइंड 'च इमेजिनेशन बनी हुई है कि सिद्धू मूसेवाला अमर हो गया। हुण अमर हो गया वो सिद्धू मूसेवाले कितों का रहने वाला सी? मानसा का। ठीक है, इस तरह हो गया ना ईजीली। जे एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाता है कि गुरु अमरदास जी की पत्नी का नाम की सी, तो अमरदास जी के नाम तो मैंने क्या होगा, सिद्धू मूसेवाला अमर हो गया, यह लाइन याद आएगी। तो अमर जिहड़ा अमर होया सिद्धू मूसेवाला वह कित्थे दा रहण वाला सी? वह मानसा दा रहण वाला सी। इस तरह याद हो जाएगा कि गुरु अमरदास जी की पत्नी का नाम मनसा देवी सी। ठीक है, इस तरह रिलेट करके याद रखा करो, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहिंदा। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 47 की गल करिए, गुरु अमरदास जी के बच्चों का नाम की सी? उन्हां दा पुत्र सी, दो पुत्र सी, पुत्र का एक पुत्र का नाम सी मोहरी ते दूजे का मोहन सी, अते दो तीआं सी जिहदा नाम एक दा भानी सी, एक दा नाम दानी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की गल करिए, गुरु अमरदास जी ने कदों तो कदों तक गुरुगद्दी संभाली? तो 1552 ईस्वी तो लैके 1574 ईस्वी तक गुरु अमरदास जी गुरुगद्दी से विराजमान रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की गल करिए, गोविंद बाल विखे खूह यानी बौली का निर्माण किस ने करवाया सी? तो एग्जाम में बहुत बार रिपीट होंदा बौली के रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो याद रखो बौली का निर्माण किसने करवाया सी? गुरु अमरदास जी ने करवाया सी। बौली विच गुरु अमरदास गुरु रामदास जी ने किन्नी पौड़ियों दर्शाई? सॉरी, इतने रामदास मिसटेक नाल टाइप हो गया। यह है क्वेश्चन की कहता, क्वेश्चन नंबर 50, बौली विच गुरु अमरदास द्वारा किन्नी पौड़ियाँ उसारिया गई सी? तो 84 पौड़ियाँ सी। ओके दोस्तों, इस तो अलावा क्वेश्चन नंबर 51 की गल करिए, संगत और पंगत शुरुआत किसने की सी? संगत और पंगत की शुरुआत किसने की सी? गुरु अमरदास जी ने की सी। इस अलावा क्वेश्चन नंबर 52 की गल करिए, पंगत शब्द का अर्थ की है? जात अते दर्जे के अंतर नूं घट करना पंगत शब्द का अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 की गल करिए, जो गुरु अमरदास जी गोविंदवाल विच एक सम्राट नूं मिलन आए थे तो उसका नाम की सी? मतलब कि गुरु अमरदास जी नूं मिलन आए थे मुगल सम्राट, उन्हां दा नाम की सी? उहदा नाम अकबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 की गल करिए, मंजी प्रणाली की शुरुआत किसने की सी? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में तुहानूं यह रिपीट होगा तो देखने को मिलेगा। याद रखियो, हुण जिवें मर्जी रिलेट कर लो, तुसीं मंजी प्रणाली की शुरुआत अपने गुरु अमरदास जी ने की सी। इस तों इलावा मंजी प्रणाली की शुरुआत क्यों की गई सी? गुरु नानक देव जी के संदेश जिहड़ी सिक्ख्यावां सी उहनां नूं फैलाउण वास्ते मंजी प्रणाली की शुरुआत की गई सी। क्वेश्चन नंबर 56 की गल करिए, गुरु अमरदास जी द्वारा कितनी मंजियां स्थापित की गई सी? तो टोटल 22 मंजियां स्थापित की गई सी। इस तो इलावा क्वेश्चन नंबर
57 की गल करिए गुरु अमरदास जी ने किस शहर का विस्तार कित विस्तार रूप किया ठीक है गोविंदवाल शहर गुरु अमरदास जी ने बसाया से ठीक है। इस बाद क्वेश्चन नंबर 58 की गल करिए गुरु अमरदास जी ने किहड़ी बाणी रची सी तां आनंद साहिब काफ़ी फेमस है तो इस नाल ही अपने जिहड़े सिख धर्म में ब्याह कार्ज होंदे ने है ना आनंद कार्ज जिहनूं आपां कहिंदे ने इस दे रिगार्डिंग ही होंदे ने तां काफ़ी इंपोर्टेंट हो जांदा इह पॉइंट तां याद रखो गुरु अमरदास जी द्वारा आनंद कार्ज या आनंद साहिब की स्थापना बाणी रची गई सी। क्वेश्चन नंबर 59 की गल करिए गुरु अमरदास जी के ज्योति जोत समाउण दा समां की सी तां 1574 ईस्वी विच गोइंदवाल विखे गुरु अमरदास जी ज्योति जोत समा गए सी। क्वेश्चन नंबर 60 की गल करिए गुरु अमरदास जी का ब्याह किन्नी उम्र में हो गया सी तां 23 साल की उम्र में गुरु अमरदास जी का ब्याह होया सी। गुरु अमरदास जी पहले किस दे भगत सी मतलब सिख धर्म गुरु नानक देव जी नूं जां अपने गुरु अंगद देव जी नूं अपना गुरु मनण तों पहला गुरु अमरदास जी जो विष्णु भगवान के भगत से। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 62 की गल करिए अमरदास जी ने किहड़ी नदी पर इशनान करते तां अमरदास जी गंगा नदी पर करते ते गुरु नानक देव जी से जो बेई नदी पर। देखिए एग्जाम में यह बहुत बार रिपीट होंगे ने क्वेश्चन कन्फ्यूज ना हो। एंड दोस्तों जे हले तक तुसी की नहीं किया छोड़ो अगे क्वेश्चन नंबर आप नैक्सट कर दें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 की गल करिए गुरु अमरदास जी किस तो प्रभावित होकर गुरु धारण लिए प्रेरित हुए दुर्गादास संत दुर्गादास ते एक संत से एक बीबी अमरो इन्होंने जिक्र किया गुरु अमरदास अगे कि गुरु अंगद देव जी भी किड्डे विद्वान ने जाके एक बार मिलो तो गुरु अमरदास जी मिलन गए तो उत्थे वह प्रभावित हो गए सी। इस तो बाद क्वेश्चन नंबर 64 की गल करिए गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी कितने मिले से खंडूर साहब गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी मिले से ठीक है। इस तो अलावा क्वेश्चन नंबर 65 की गल करिए गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी जो मिले से उसकी उम्र कितनी सी मतलब गुरु अमरदास जी की उम्र कितनी सी इस क्वेश्चन में पूछा गया था 62 साल यानी 62 साल से। क्वेश्चन नंबर 66 की गल करिए गुरु रामदास द्वारा बौली का निर्माण कदों होया अते फिर स्पैलिंग मिसटेक है दोस्तों तुसी लिखना क्या गुरु अमरदास द्वारा बौली का निर्माण कदों होया इतने कदों होया 1552 ईस्वी हो किस द्वारा बौली का निर्माण कराया गया गुरु अमरदास जी द्वारा करवाया गया से किन्नी पौड़ियों का निर्माण होया 84 पौड़ियों का निर्माण होया ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 की गल करिए गुरु अमरदास जी ने किन्नी शब्दों की रचना की सी गुरु अमरदास जी द्वारा 907 शब्दों की रचना की गई सी। इस तो अलावा क्वेश्चन नंबर 68 की गल करिए गुरु अमरदास जी ने किन्नी वारा की रचना की सी तो गुरु अमरदास वालों जिहड़ी कि गुरु ग्रंथ में शामिल है वह टोटल 4 वारा शामिल ने। इस तो अलावा गुरु अमरदास जी ने किन्ने रागों में बाणी की रचना की सी तो 17 रागों की रचना की सी जो बाणी में शामिल किए थे यह राग। इस तो अलावा क्वेश्चन नंबर 70 की गल करिए मंजी के मुखी को कहा जाता है तो मंजीदार इसको कहा जाता है ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें थ्यूरी में भी ऑलरेडी कवर करवा दिते हैं बट यह वन लाइनर क्वेश्चन ने राइट डाउन जरूर कर लो क्योंकि इन्हों ही मतलब कि लगभग सारा ही अपना सिख धर्म के जोड़े क्वेश्चन ने इस इनकलूड ने इस तो बार तू कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यह मैं श्योर शोरटी तुम्हें मैं दिना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 की गल करिए औरतों के नाम दसो जिन्होंने एक मंजीदार वजो नियुक्त किया गया से मतलब गुरु जी की सिक्ख्यावान का प्रसार करने वास्ते मंजी प्रणाली शुरू की गई ठीक है। जिहड़ा भी मंजी पर बहिंदा से उसको मंजीदार कहा जाता है। इन्हां विचों दो महिलावां सी जिहड़ी कि गुरु का प्रचार करते गुरु की सिक्ख्यावान का तो एक का नाम से काबूल की माई सेवा इस तो इलावा कश्मीर की माई सेवा यह दो फीमेल से ठीक है जो कि मंजीदार वजो नियुक्त किए गए थे। इस तो अलावा क्वेश्चन नंबर 72 की गल करिए मुगल सम्राट अकबर गुरु अमरदास जी मिलन कदों गए थे ठीक है यह 1568 ईस्वी में गोविंदवाल विखे गए थे। इस तो अलावा गुरु अमरदास जी के कहने पर किहड़ा कर माफ़ कर दिता सी तां जजिया कर माफ़ कर दिता गया से। इस तो अलावा क्वेश्चन नंबर 74 की गल करिए आनंद साहिब विच गुरु अमरदास द्वारा किन्नी पौड़ियों का उसारी की गई से आनंद साहिब विच गुरु अमरदास जी द्वारा किन्नी पौड़ियों का उसारी की गई सी तो 40 पौड़ियाँ आनंद साहिब विच उसारियां गई सी गुरु अमरदास जी द्वारा। इस तो बाद आप सिखां दे चौथे गुरु बारे गल कर लैणे सिखां दे धर्म का चौथा गुरु कौन सी गुरु अमरदास जी से। इस तो अलावा 67 नंबर क्वेश्चन की गल करिए गुरु रामदास जी एक होर नाम जाने जाते गुरु रामदास जी का जो नाम से
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 77 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 14 ਸਤੰਬਰ 1534 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 78 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਹਰੀਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਦਇਆ ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਲ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ GK ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 81 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਿਆਈ ਅਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਿਆਈ ਅਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 82 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਿਆਈ ਅਸਥਾਨ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਾਲਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 85 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਡੈਸ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 86 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ 1554 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 87 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਹਾਦੇਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 88 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 89 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 90 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਆਗਰਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 91 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਭਜਨ ਅਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਰਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਟੋਟਲ 30 ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਗ ਸੀ ਅਤੇ 638 ਭਜਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 92 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 93 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਸਪਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਡੇਟ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਪਤੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਤੇ 1581 ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 94 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ? ਤਾਂ 1574 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1581 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੱਟ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਵੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 96 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਵਾਣ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 97 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 1577 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 98 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਤਪਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਉਹ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਤੋਖਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 99 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਡੈਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਸੰਦ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 101 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਜੱਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੌਂਹ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ ਇਹ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਜੱਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਦੀ ਜੱਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਓਕੇ।